हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मेरा नाम मज़र खान है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पे मैं फ़िटनेस रिलेटेड सारी चीज़ें बताता हूँ। लॉकडाउन के चलते एक मुझे वर्कआउट सीरीज़ बनानी थी, होम वर्कआउट, जो रेजिस्टेंट बैंड से की करूँगा मैं। थोड़ा बॉडी वेट वर्कआउट होगा, थोड़ा किक बॉक्सिंग, कार्डियो वास्कुलर एक्टिविटी होगी और थोड़ा बहुत फैट और कैलरीज के बारे में बताऊँगा। फैट फैट तो आपको पता है, एक अपना बॉडी का मैनिक्योर है जो हमें डाइट से मिलता है। तीन सोर्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। कार्ब जो, और प्रोटीन में 4-4 कैलरीज होती है, फैट में थोड़ी ज़्यादा होती है, 9 कैलरीज है, सबको ही पता है। लोग पूछ रहे हैं कि डाइट कैसे बनाए। देखो, अभी अगर आपको पर्सनली डाइट चाहिए तो आपको सीधा मुझे मैसेज करना होगा, मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगा, वो हिसाब से मैं आपको डाइट बताऊंगा। अभी दूसरी बात ये, अगर आपको बेसिक जानना है तो मैं बेसिक आपको बता सकता हूँ। आप सबसे पहले लेते हैं हम वाटर। वाटर में फाइबर्स में कोई कैलरीज नहीं होती, उसमें कोई कैलरीज नहीं होती। उसके बाद में आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में आप एप्पल, उसके बाद में आप अपने वाटरमेलन ले लो, उसके बाद में आप अपने जो शुगर वाली चीज़ें, जैसे सॉरी जो नॉर्मल जो फ्रूट्स आते हैं जिनमें शुगर, नेचुरली शुगर कम होता है, वो आप एक पीस नॉर्मल इतना होता है 70-80-100 ग्राम का, उसमें 20 से 30 कैलोरीज होती है। अब फ्रूट्स में आप बनाना, ग्रेप फ्रूट्स, मैंगो, उसके बाद में सारी बेरीज, इस अगर आप 100 ग्राम काउंट करोगे तो इसमें अगर आपको मिल सकती है 150 से 200 कैलोरीज विद कार्ब्स। जो कार्ब्स हमारे शरीर के लिए तो लिमिटेड अमाउंट में सही है, पर अगर ज़्यादा हो तो फिर वो नुकसान करता है, आपको भी पता है। रमज़ान महीना चल रहा है, लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि फ्रूट ज़्यादा खाए, ये ज़्यादा खाए, दिन भर एम्प्टी स्टमक रहते हैं, वेट लॉस होगा, पर ऐसा नहीं होता। ज़्यादा करके देखा होगा आपने, रमज़ान में वेट बढ़ जाता है, 3 से 4 केजी, 5 भी आता है। वो फ़र्क पड़ता है, किसी का जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है नहीं, किसी का कम होता है, ज़्यादा होता है, चलो तो 2 नंबर की बात है। उसके बाद में हमारा आता है कार्ब्स। कार्ब्स हो, अगर आप मिक्स वेजिटेबल में सिर्फ आलू को हटा के लेते हो 100 ग्राम, कोई भी सब्जी ले लो आप, उसमें अगर आपको 70-80 ग्राम कैलरीज मिलती है, और कार्ब्स आपको मिलेगा 10 से 15 ग्राम। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल से लो, 100 ग्राम की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 19-20 होता है। और आलू जो होता है वो अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो उसमें आपको कम से कम 70-80 ग्राम कार्ब्स मिलता है, प्लस आपको उसमें ज़्यादा कार्ब्स भी होता है और फैट भी होता है। अभी बात करेंगे हम 300 और 500 कैलोरीज की, उसमें आते हैं सारे स्वीट्स। स्वीट्स उसके बाद में आप अपना ये काउंट कर सकते हो, जो थाली होती है, जैसा बोला आप, टिपिकल टिपिकल आपने थाली ली, उसमें पूरा है, जूस है, अचार है, राइस है, दाल है, मिक्स वेजिटेबल है, रायता है, गुलाब जामुन है, ये सब 500 कैलोरीज होती है। इससे बचो, स्वीट से बचो। उसके बाद में जो फ्राइड आइटम होती है, ऑयल की आइटम, उससे बचो। ठीक है, रमज़ान महीना चल रहा है, थोड़ा बहुत खा सकते हो यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार हफ्ते में एक दिन। और वैसे भी रमज़ान में काफ़ी कुछ अच्छी आइटम मिलती है, पर अभी लॉकडाउन के चलते लोग ज़्यादा करके प्रोटीन डाइट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मार्केट का हाल ही ऐसा है, कुछ मिल नहीं रहा है यार। जो भी मिल रहा है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, भगवान सबको अच्छा रखे, क्योंकि बहुत हालत ख़राब है लोगों की। दिल से दुआ करो, जो हमें मिल रहा है ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, पर ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे हैं। ठीक है, तो ये कैलरीज का हुआ। आप अपना इस तरह से ध्यान रखो कैलोरीज का। मिक्स वेजिटेबल आप जितना खा सकते हो, मिक्स वेजिटेबल, और मिक्स वेजिटेबल भी ऐसे खाना है, कुक करो कम कम इसमें, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादातर के कुक हो जाता है, जो आधा उसका न्यूट्रिशन उसी में एंड हो जाता है। आप फ्रूट्स में जितना खा सकते हो खाओ, सिर्फ स्वीट्स फ्रूट जो होते हैं लिमिटेड अमाउंट में खाओ, जैसे बनाना, मैंगो, बेरीज, लिमिटेड अमाउंट में। आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग वाइट, एग, चिकन, मीट खा सकते हो, नॉर्मल एक 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 मील रखते हो तो इनफ है, 1 से 2 मील। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है कोई तो 1 मील इनफ है। अगर आप हार्डकोर वर्कआउट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो 2 से 3 मील में आपका प्रोटीन होना चाहिए। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। अगर वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सो माफ़ करना दोस्तों, फटाफट वर्कआउट करूँगा, आपको बताऊँगा शॉर्ट शॉर्ट में। फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, उसमें हमारा रेजिस्टेंट बैंड से वर्कआउट होगा फुल बॉडी, और थोड़ा सर्किट होगा, 4-4 सेट करेंगे। एक सर्किट में कम से कम हमारे 8 से 10 वेरिएशन आएंगे, और सब फेलियर होंगे। अगर आप फेलियर ले सकते हो तो फेलियर लो,
या तो फिर सेट बना के करो, और 4 से 5 सर्किट करेंगे, 30 से 40 मिनट का वर्कआउट होगा और फिर फिनिश। ओके, सबसे पहला लेता है हम बेसिक, हम किक बॉक्सिंग से स्टार्ट करेंगे। ये आपका स्टैंड है, उसमें आपने राइट लेग पीछे लिया। ओके, ये आपका स्टैंड रहेगा। बेसिक आपको जैब क्रॉस करना है, अगर आप इस एंगल से देखो। ओके, ये आप ये फॉर्म में हो, गार्ड ऊपर ही रहेगा, और आपको ऐसे करना है जैसे कि सीरियस आपको फाइट की पोजीशन में खड़े हो। ओके, टाइम देखना है, वो हिसाब से आपके ये मैक्सिमम 100 पंचेस जाने चाहिए। 100, 2 का वन काउंट होगा, 100 या 50। 1, ब्रीद आउट, 2, 3, 4, ये आपका हुआ। जैसे फिनिश होता है उसके बाद में हम लेंगे जम्प स्क्वाट, 1, 2, 3। ओके, अगर ये नहीं करना है आप, तो आप सुमो वॉक कर सकते हो, बस इस तरह से सुमो वॉक। होल्ड रखना है, स्पाइन सीधा रखना है, अगर आप ऐसा रख सकते हो ऐसा रखो, पर ये इस फॉर्म में देखिए ये मूवमेंट होगा। ओके, बैक ऐसे नहीं, पूरा आर्च। ओके, ये आपका जैसे फिनिश होता है आपको कंटिन्यू पंचेस लेना है काप्स पे। ये फॉर्म होगा 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। ओके, थर्ड फिनिश हुआ। फोर्थ में आपको करना है क्लाइंबिंग, ये आपने किया। ओके, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 क्लाइंबिंग। फिफ्थ आपको लेना है बाइसेप्स कर्ल, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा कार्डियो थोड़ा वेट ट्रेनिंग विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ओके, अगर आपके पास बेल्ट है तो सही है, या तो डंबल्स है, या 2 kg 3 kg की बोतल है होगी आपके पास। ओके, 1, 2, 3, अप, ब्रीद आउट, सेंट्रिंग मूवमेंट कॉन्सेंट्रेट, 1, 2, 3, 4। ओके, ये आपका हो गया बाइसेप्स कर्ल। फिर आप करोगे थोड़ा रेस्ट, फर्स्ट सर्किट की हमारी 4-5 वेरिएशन हुए, फेलियर जाना है। ओके, उसके बाद में अगेन आपको लेना है, थोड़ा रेस्ट करना है 1 मिनट का। सेकेंड सर्किट आपकी होगी किकिंग विद स्क्वाट, फ्रंट किक उसके साथ में स्क्वाट, जैसे कि आप यहाँ से दिखा दो, आपका ये मूवमेंट है, आपने राइट लेग बैक लिया फाइटर पोजीशन, या आपने फ्रंट किया, थोड़ी पैंट थोड़ी टाइट है इसीलिए मेरी किक नहीं उठ पा रही है। ये फाइटर पोजीशन, ये फ्रंट किक एंड स्क्वाट, फ्रंट किक एंड स्क्वाट, यहाँ से देखिए थोड़ा पेन थोड़ा टाइट है लेग्स में, इसके लिए ये आपका राइट लेग बैक, ये आपने किया फ्रंट, 1, 2। इसी तरह आपको 20 ईच लेग करना है, वो जैसे फिनिश होता है आप करोगे पुशअप्स, डायमंड पुशअप्स, जो ट्राइसेप्स ये लॉन्ग हेड के लिए और आपके पेक्टोरल के लिए यूज होगा। ये एंगल होगा आपका पुशअप का, बैक आर्च, ग्लूट्स अप एंड डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 20 रेप्स। ओके, ये आपका फिनिश हो गया। उसके बाद में करना है आपको हाफ क्रंचेस, उसमें आप रेजिस्टेंट बेल्ट पीछे से कहीं अटका के यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं अटकाने के लिए, मान लो रेजिस्टेंट मैंने नेक के पीछे रख दिया सर ट्रैप्स पे, एंड 1, 2, 3, 4, 5, मिड सेक्शन पे पूरा अपर रेक्टस मसल अपर एब्स पे पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, 50 रेप्स 1 सेट। जैसे फिनिश होता है आपको खड़े होना है, अगेन आपको पंचेस 100, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, इस फॉर्म में देखोगे आपके पूरे काप्स पे होना चाहिए, आपका पूरा वेट काप्स मसल और फिंगर पर होना चाहिए, 1, 2, 1, 2, 1, 2, इस तरह से। ओके, सेकेंड सर्किट आपकी फिनिश हो गई। थर्ड सर्किट में आपको लेना है लेग रेस, स्टार्ट करेंगे हम लेग रेस, जो बेसिक हम करते हैं बॉडी फ्लैट करके फिंगर नीचे लेग रेस, वो आपको फेलियर जाना है। जैसा आपका फिनिश होता है उसके बाद में आपको
इस रेजिस्टेंट बैंड से हम करेंगे ओवरहेड प्रेस, मिलिट्री प्रेस, ओवरहेड प्रेस, जो हमारा स्टिक रेजिस्टेंट बैंड के साथ होगा। ये हमने किया, चलिए एंड प्रेस, 1 2 3 4। फर्स्ट सेट थोड़ा 20-30 रेप्स, फिर थोड़ा नैरो ले लीजिए फ्रंट क्लाविकुलर हेड के लिए, थोड़ा नैरो एंड प्रेस, 1 2 3 4। पूरा एल्बो स्ट्रेच नहीं करेगा, एल्बो पे थोड़ा स्ट्रेच नहीं आने देना, हमें मसल्स पे रखना, इतना रहेंगे एंड डाउन स्ट्रेच। ओके, जैसे फिनिश होता है हम करेंगे बैक के लिए। सपोज मान लो जो रेजिस्टेंट बेल्ट है इसे आपको लॉक करना है कोई भी अच्छे एरिया में, वहाँ पर लॉक करके अब ये मोमेंट पे बैठना है आपको, बैक आर्च एंड ये मोमेंट पुल, 1 2 3। तो मिड सेक्शन के लिए हो गया, फिर खड़े हो गए वही मोमेंट में टी बार की तरह, 1 2 3। या डंबल से कर सकते हो जो बॉडी वेट वर्कआउट के लिए, अगर बेल्ट है तो सही है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, और इसमें देखो जरूरी नहीं मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसा करो, आप इसमें आप देखो नवे तो हो नहीं, आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के या जो भी हो, आप इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हो। बस आपको 45-50 मिनट्स वर्कआउट के लिए, ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहा, रमजान में ना चल रहा है, ज़्यादा बॉडी के लिए नुकसान होगा, एम्प्टी स्टमक, ठीक है। अगर आपके पास लीन मसल है तो 20-30 मिनट इनफ है, अगर आप ज़्यादा फैटी हो तो 60-50 मिनट इनफ है, जितना अगर आप रोज़ा रखते हो और आप फैटी हो तो वेट लॉस करना है तो डाइट का तो ध्यान देना है, उसके साथ आपको 50-60 मिनट इसमें देना है, और वेरिएशन खाली चेंज करने हैं। मैंने सीरीज में बाइसेप्स शोल्डर का बताया, बैक का बताया, आप उसमें चेस्ट में पुशअप्स कर सकते हो, क्रंचेस कर सकते हो, ऑब्लिक्स कर सकते हो, होल्ड स्क्वाट, किक बॉक्सिंग में आप सिर्फ जैब क्रॉस, अगर आप जैब क्रॉस भी खाली आपने किया ना कसम से कह रहा हो, अगर आपने 100 मिनट तो हम नॉर्मली बताए, अगर आपने 200-300 भी अगर आप पंचेस लिए ना, सबसे हाईएस्ट कैलोरीज बर्न होती है। ओके, अभी फ़िलहाल तो इतना ही है, अभी थोड़ी देर में नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर दुआ वुआ मांगेगा आप सबके लिए और हमारे सब देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सब अच्छा हो जाए, मिलके रहो यार, और दुआ में याद दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, फिर जल्दी मिलेंगे।